हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत है। तो आप सभी लोग हमारे क्लास में आज जुड़ जाएंगे। आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट या कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को मिक्सअप यानी कि दोनों से मिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जहाँ जो है आपका डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस दे करके मूलधन आपसे पूछ लेगा, या सी आई और एस आई दे करके मूलधन और रेट भी आपसे पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो हम बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार तरीका का आज हम लोग जो है बिल्कुल कह सकते हैं उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए, तो कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है। आइए, आज की क्लास में सबका स्वागत है और हम लोग जो है बहुत ही खूबसूरत सवाल इन खूबसूरत विद्यार्थियों के साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सब लोग शेयर करिएगा आज की क्लास को और बहुत ही मजा आने वाला है रोज की तरह, और कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतरीन सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सब लोग शेयर करिएगा और आज की क्लास में जुड़ जाना है। तो आपको जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, सिर्फ वैसा ही नहीं बल्कि इससे कई गुना बेटर और कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सब लोग शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और कुछ बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो स्टार्ट करें, एक बार शेयर करिएगा। सब बढ़िया है, सब मजे में है, प्रॉपर तैयारी सबका चल रहा है। अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल किसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि रास्ते जो है खुद बनाने पड़ते हैं। आपको बना हुआ रास्ता कभी नहीं मिलेगा। बात आ रहा है समझ में? अगर आप सोच रहे हैं कि जो है हरी बत्ती जब तक नहीं जलेगा हम रास्ता में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो याद रखिएगा लाल बत्ती में ही आपको रास्ता में आगे बढ़ना है। मतलब ये है कि कितना भी बड़ा रुकावट है, अगर आप एक अच्छे दिन का, एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार करें तब आपकी पढ़ाई शुरू होगी, तो वो दिन कभी आने वाला नहीं है और आप सफरते रह जाएंगे लेकिन कभी पूरा नहीं होगा। तो बिल्कुल कहना है हमारा यही कि आप रेड लाइट को ही ग्रीन मान करके आगे बढ़ना है और आपको इस क्लास की शुरुआत करनी है। तो सब लोग शेयर करिएगा आज की क्लास को, कुछ बेहतरीन पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए, पहला सवाल है आपके सामने, करिएगा इस सवाल को। 10,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि 10,000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यदि 25 रुपया है, तो बताना है तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। बात आ रहा है समझ में? सब लोग समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए, और इसी तरीके का एग्जाम में सवाल भी आता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है ज्यादा ट्रिक तो बहुत सारा इसको बनाने का तरीका, आप अनुपात के नियम से भी इसको बना सकते हैं आप, ठीक है, जो रेशियो वाला नियम होता है उससे भी बना सकते हैं, ठीक है, वरना आप फ्रैक्शन वाला मेथड से भी बना सकते हैं, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ ऐसा तरीका लेकर के आए हैं आज जिसके जरिए आप जो है कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आप अगर ट्रिक व्रिक पर भरोसा करते हैं तो उसको भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो मेथड होता है ना, फॉर्मूला मेथड या कोई भी मेथड, वो आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्रॉपर समझ में आए, उसी चीज को आप रिकमेंड करिएगा। जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूला पर बताएंगे तो आप फॉर्मूला पर ही पढ़ें, है ना, आपको जो आता है उसी पर अटल रहना है। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो सब लोग यहां पर ट्राई किए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 10,000 की राशि है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो आपको बताना है कि इसका रेट कितना होगा। तो डायरेक्ट आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा 2 वर्ष का, क्या 2 वर्ष का, देखिए हम छोटा सा फॉर्मूला हम आपको लिखा देते हैं क्या होता है। अगर 2 वर्ष का अगर सी आई आई और एस आई निकालना है तो सी आई माइनस एस आई, या इसी को तो कहते हैं डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं डिफरेंस, बराबर क्या होता है पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? बस यही याद रखना है, क्या होगा, 2 वर्ष का अगर अंतर पर आधारित क्वेश्चन आ जाए कैसा भी, या तो आपसे सी आई एस आई दे के और डिफरेंस सी आई एस आई दे करके आपसे मूलधन पूछ ले, या फिर मूलधन दे दिया जाए और एस आई दे दिया जाए, रेट दे दिया जाए, आपसे पूछ देगा सी आई, इससे बहुत तरह का सवाल बनता है ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ना, तो सबका समापन होने वाला है, सबका खात्मा होने वाला है। बात आ रहा समझ में? इसीलिए हम फॉर्मूला ट्रिक हमारे पास हजारों पड़ा है इसको बनाने का,
लेकिन हम फॉर्मूला मेथड क्यों बता रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा है ना कि आप इस पर कोई भी चीज निकाल सकते। सोच करके देखिए ना कि अगर आपका मूलधन दे दे, रेट दे दे, तो आप अंतर निकाल सकते हैं, या फिर आपका SI दे दे, CI ना दे, सिर्फ SI दे दे, आपका रेट दे दे, मूलधन दे दे, तो आप यहाँ से CI निकाल सकते हैं। मतलब एक है, 1, 2, 3, 4 और एक डिफरेंस हो गया, 5 तरह के सवाल आप सिर्फ एक फॉर्मूला से बना सकते हैं। इसीलिए आज हम फॉर्मूले पर थोड़ा सा आप लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। 2 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अगर बोलेगा तो 3 वर्ष का हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, आपको बात समझ में आ गया होगा कि सर बात इतनी सी है कि आपने क्या कहा था, अंतर ना, तो अंतर बराबर क्या होता है, अभी हम बताएं। इसी को हम CI माइनस SI भी कह सकते हैं, इसी को तो अंतर कह रहे हैं हम, है ना। CI माइनस SI बराबर क्या बता चुके हैं हम, P×R/100 का क्या बाबू, स्क्वायर। अब हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। P मूलधन है, R आपका रेट है, और CI SI दोनों में से कोई भी दे दिया जाए, एक भी दे देता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर तो आपने आसान कर दिया क्योंकि अंतर जो है 6 रुपया जो है आपका दिया हुआ है। पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पहला सवाल चलिए देखिएगा। तो डी बराबर यानी डिफरेंस यानी अंतर बराबर P×R/100 का क्या कर देना है, स्क्वायर। खेला हो गया आपका खत्म, जहाँ डी बराबर है, डी यानी डिफरेंस, तो डी बराबर कितना दिया बाबू, अंतर, जिसको कहते हैं डिफरेंस मीन्स अंतर होता है, 25 दिया है। मूलधन दे दिया यहाँ पर आपका, P का मान कितना दे दिया है, तो 10,000 दे दिया है। हमें क्या चाहिए, तो सर हमें तो रेट चाहिए, हमें क्या चाहिए बाबू, रेट चाहिए। अब आइए क्वेश्चन, अब हो गया खत्म। देखिएगा, जहाँ D है तो D के जगह पर हम 25 रख सकते हैं, यस या नो, बिल्कुल रख सकते हैं सर। चलिए आगे देखिएगा, P का मान दिया है 10,000, तो क्या P के जगह हम 10,000 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। R का मान दिया है कितना, R तो हमें निकालना है, तो इसको रख दीजिए R/100। तो क्या हम इसको हम लिख सकते हैं एक अलग तरीके से कि R²/100×100 लिख सकते हैं इसको या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि R/100 का स्क्वायर है, मतलब R भी 2 बार और 100×100 भी 2 बार आएगा। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्या कोई सवाल इसमें कोई कन्फ्यूजन अब रह गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 0 से 0 कट जाएगा। अब R का मान क्या आ जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना पेन पेपर का, ठीक है। देखिएगा, जो जो कट रहा हम सिंपली उसको काट देते हैं, 1, 2, 0, 2, 0, 4, 0 से 4, 0 कट गया। अब ये जो R² है तो R जो है इधर आएगा तो रूट आ जाएगा 25, तो R बराबर आ गया कितना बाबू, R बराबर आ गया 5%। और यही तो आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। अगर यहीं पर जो है यहाँ पर ब्याज अर्धवार्षिक लिख देता और आपसे वार्षिक पूछ देता तो इसका दुगना कर देते तो 10% आ जाता। इस एग्जामिनर की तरह सोचिए कि कितना तरह से वो सोच सकता है और कितना तरह से इस पर वो सवाल बना सकता है। बात आ रहा समझ में, है ना, ठीक है। अगर ये वार्षिक दे देता और अर्धवार्षिक का रेट पूछता तो हम इसका आधा कर देते, मतलब जहाँ 5 है वहाँ 2 का डिवाइड करके 2.5% रेट हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना तरह का, सिर्फ एक फॉर्मूले से आप हर तरीके का CI और SI बना सकते हैं, ठीक है, एग्री है सब लोग। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपके सामने है दूसरा सवाल। चलिए, तो दूसरा सवाल है, बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। हम आपको देते हैं सिर्फ और अभी बहुत तरह का सवाल आएगा यहाँ पर, ठीक है, अभी तो सिंपल सवाल को हम ले रहे हैं, आपको हम सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का समय देते हैं, बनाइएगा सब लोग।
चलिए टाइम अप हो चुका है और आप लोगों ने यहाँ पर भली भांति आंसर दिया होगा और सब लोग शेयर करिएगा आज की क्लास को, ठीक है। हम आपको एक मिनट का टाइम दे चुके थे, ठीक है। देखिएगा अंतर दे दिया है, अंतर दे दिया है, या इसी को हम CISI का माइनस अंतर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो अंतर दे दिया कितना, अंतर दे दिया आपका 6 रुपया। तो डी बराबर यानी दिया हुआ है 6, यानी अंतर बराबर 6 दिया है। यदि 2 वर्षों में समय दे दिया आपका 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का तो ये फॉर्मूला ही होता है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि 2 वर्ष है या 3 वर्ष है, दो ही तरह का सवाल पूछेगा, या तो दो साल का या तो 3 साल का। बात आ रहा है समझ में? 4 साल 5 साल का देगा एग्जाम में, नहीं देगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो उसका भी तरीका हम बता चुके हैं आपको, 4 साल दे दे चाहे 1000 साल दे दे। आपको हम जो रेशियो वाला तरीका बताए थे उसमें जो है हम बताए थे कि कौन से 2 भाग को हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो अंतर कहलाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको सीखिएगा 2 साल वाला। तो यहाँ पर और क्या दे दिया, रेट दे दिया, हमें क्या चाहिए, अंतर दे दिया 6, आपका जो रेट है यानी आर की वैल्यू कितना दे दिया बाबू, 5%। और हमें क्या चाहिए सर, हमें मूलधन चाहिए यानी पी का मान चाहिए। तो चलिए हम इतना का मान दिया हुआ है, क्या इसके जगह नहीं लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अंतर के जगह पर 6, यानी 6 बराबर पी इंटू आर का मान दे दिया 5, ठीक है। आर का मान 5 और बटा करेंगे 100, इसको कर देंगे स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर पी गुना 5 गुना 5 बटा 100 गुना 100, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब बताइए, अब कुछ रह गया क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं रह गया। 25 चौका 100, अब ये जो 400 है इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 400 गुना 6 करेंगे तो पी का मान आ गया आपका 2400। पी का मान कितना आ गया 2400, और यही आपका क्या है, सबसे प्यारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला का यहाँ पर हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एक फॉर्मूले से आप 5 तरीके का सवाल एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसको बनाने का तो मेरे पास बहुत सारा तरीका, और हम कई बार बता चुके हैं आपको, एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। आप जा करके मेरा पूरा CI, पूरा SI, नल टंकी, टाइम एंड वर्क सब पढ़ा दिए, प्रॉफिट लॉस सब कुछ पढ़ाया गया, नंबर सिस्टम जा करके देखिए मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक से एक तरीका आपको ट्रिक बताया गया इसका, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक चीज़ सीखने से आप 5 तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, है ना। आपका CI का मान दे देगा और आपसे SI पूछेगा, जहां CI दे देगा मूलधन दे देगा, रेट दे देगा, आपसे पूछेगा SI बताओ, तो बताइए इसके जगह पर हम रख सकते हैं, है ना। तो यहां से हम SI निकाल लेंगे। बात आ रहा है समझ में? अगला सवाल आइए, हम लोग 3 वर्ष वाला सवाल करते हैं, अभी 2 वर्ष वाला ये है ना, अगला सवाल आएगा 3 वर्ष वाला। चलिए तो हम आपको देते हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम आपको 10 सेकेंड ही समय देते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए दे देते हैं क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर नए नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सब लोग शेयर करिएगा आज की क्लास को और इस बेहतरीन प्रश्न को सब लोग ट्राई करिए, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी। अब तो सब लोग सीख गए होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करिए, बनाइए जल्दी। चलिए टाइम अप हो चुका है और आप लोगों ने भली भांति आंसर भी किया होगा। हमने क्या कहा था, कुछ भी निकालना हो, राशि निकालना हो, दर निकालना हो, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो है अंतर बराबर। अंतर बराबर क्या होता है, यानी डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो हम एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं, पी इंटू आर बटा 100 का क्या बाबू, स्क्वायर। और ये कौन साल वाला फॉर्मूला है, 2 वर्ष का यदि पूछे, क्या पूछे, 2 वर्ष के लिए जब पूछे तभी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बात आ रहा है समझ में? चलिए क्या दिया है, अंतर दिया है, कितना दिया, 160। तो क्या अंतर के जगह पर हम 160 रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। पी का मान दिया है, बिल्कुल दिया है पी का मान, सॉरी पी का मान तो हमें निकालना है। आर हमें दिया है, आर का मान यहाँ साफ साफ लिख दिया है 5%, तो 5 बटा हम कर देंगे 100 का स्क्वायर। अब जो जो कटेगा काट देंगे, 160 बराबर पी इंटू 5 गुना 5 बटा 100 गुना 100, खेला हो गया हमारा खत्म।
पांच पचे 25 चौका 100, अब 400 गुना 16 करिएगा तो कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 16 चौका 64 पर कई 0 3 0, और यही आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए, आपका बहुत ही खूबसूरत आंसर है। तो आपने क्या देखा कि अगर रेट निकालना हो, मूलधन निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, बस ये एक फॉर्मूले से हम पांच तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। दो तरह का सवाल तो हम करवा चुके हैं कि आपसे अंतर पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, आपका रेट पूछे तो भी इससे हम निकाल सकते हैं, आपका मूलधन पूछे तो भी निकाल सकते हैं, और दो तरह का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी आई दे देगा तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, और ऐसा ही दे देगा तो सी आई। तो इस फॉर्मूले का हम रिकमेंड बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरीका आपको एंटीबायोटिक साबित हो रहा है पांच तरह के प्रश्नों के लिए, चाहे वो 3 साल का निकालना हो या फिर है ना कह सकते हैं ना 2 साल का। आइए अगला सवाल हम आपके सामने रखते हैं और यह है 3 वर्ष वाला। चलिए फॉर्मूला इसका अगर याद होगा तो आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा इस सवाल का आंसर हम लोग क्या करेंगे। चलिए तो बिल्कुल टाइम हो चुका है और आप लोग जो है इसका आंसर कई सारे लोग दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल शेयर करिएगा, थोड़ा सा ठंडा नहीं पड़ना, सब लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है सब लोग लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए अब ये बहुत सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 31 रुपया हो तो धनराशि क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग हम यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूला सिखाएंगे, ठीक है। एक तो 2 साल वाला हम आपको बता चुके हैं, 3 साल वाला का भी सेम है, अगर सी आई माइनस एस आई बोले या अंतर बराबर क्या होता है लिख लीजिएगा सब लोग। चलिए लिख लीजिए सब लोग, थोड़ा सा पेपर निकाल लीजिए और उसको जो है फाड़ कर दीवार में चिपका देना है कि 2 साल और 3 साल का अगर अंतर दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप सिंपली एक छोटा सा कागज में लिखिए, दीवार में चिपकाइए, आप इतना बार उसको बनाएंगे, एग्जाम में इतना बार आएगा कि आप फॉर्मूला को याद रखना नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 ईयर का अगर अंतर बराबर पूछे आपसे तो क्या बता चुके हैं हम, पी इंटू आर बटा 100 का क्या बाबू स्क्वायर इंटू 300 प्लस का आर बटा कर देना है, आप कितना बटा कर देना है आपको 100, इधर स्क्वायर नहीं करना और बीच में गुना का साइन देना है ना, याद रखना, और यहाँ पर प्लस का साइन देना है। 3 साल का अंतर, 2 साल का क्या बता चुके हैं बस इतना तक, अगर 2 साल का पूछे आपसे तो सिर्फ इतना और 3 साल का पूछे तो पूरा, याद रखना है 3 साल का अंतर पूछे तो आपको 300 प्लस का आर करना, ये 1300 नहीं बाबू 300 है। पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर गुना 300 प्लस आर बटा 100, दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए 3 साल 2 साल का, कैसा भी घुमा फिरा के पॉइंट वाला है दशमलव वाला कुछ भी आ जाए आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। वरना इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, अगर आपको ये तरीका फॉर्मूला वाला पसंद नहीं आएगा तो सिर्फ आप एक बार कमेंट में बताइएगा, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और बिना फॉर्मूला वाला, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट हम इसी को मानते हैं। चलिए चलिए तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं यहाँ पर, क्या क्या दिया हुआ उसको लिख देते हैं। देखिएगा समय तो 3 वर्ष है और 3 वर्ष का ये होता ही है फॉर्मूला, रेट आपका दिया है 10%, रेट दिया है कितना बाबू 10%, और क्या क्या दिया है और कुछ देना चाहिए, अंतर दे दिया है 31, दो ही डाटा दिया है हमसे, क्या पूछा है धनराशि कितना साल का 3 साल का, तो देखिए अंतर दिया है 31 तो क्या अंतर के जगह पर हम 31 रख दें, अंतर के जगह पर क्या हम 31 रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। पी का मान तो हमें निकालना है तो पी इंटू, और आर का मान हमारा दिया हुआ 10% तो कह सकते हैं पी इंटू 10y100 का क्या बाबू स्क्वायर, और गुना करेंगे कितना से,
300 प्लस आर, और आर का मान 10 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 310 बटा 100 हो जाएगा। खेला हो गया खत्म, काम हो गया हमारा खत्म। अंतर 31 का है, 31 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने 31 रख दिया। पी को ज्यों का त्यों, क्योंकि पी तो निकालना है। आर का मान 10 है तो 10, नीचे 100 है तो 100, गुना का चिन्ह गुना का चिन्ह, और 300 प्लस आर यानी कि 300 और आर का मान 10, तो 310 बटा करेंगे 100। अब जो जो कटेगा हम काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा हंसते खेलते। तो पी इंटू, यहाँ पर हम एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं यहीं पर, तो क्या लिखेंगे, एक बटा और दो को 10 है ना, तो 1/100 गुना 3, यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, तो 3/10 आ जाएगा 10, सॉरी 31 तो रहेगा यहाँ पर। अब देखिए हम डायरेक्ट काट सकते हैं कि 31 से 31 कट गया, अब यही 3 जीरो बचा, तो पी का मान आ गया कितना, 1000। यही आपका क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी बराबर 1000 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ कट जाएगा और यही एग्जाम में होने वाला है। कितना समय लगेगा, सिर्फ 10 सेकेंड में आप इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड में। अगला सवाल दें, चलिए अगला सवाल करके बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए करिएगा सब लोग फटाफट। 4000 के मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञान निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अंतर निकालना है, पीछे हम लोग रेट निकालने के लिए सीखे थे, मूलधन निकालने के लिए सीखे थे, और यहाँ अंतर निकालना है आपको। चलिए फटाफट बनाइएगा सब लोग। चलिए सब लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं क्या, सब लोग आंसर कर पा रहे हैं इस, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में जो है इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर 3 साल का अंतर पूछ ले या 3 साल का मूलधन पूछ ले तो आपको ये लगाना है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर, होल स्क्वायर करना है, और 300 प्लस का आर बटा 100। चलिए हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आपको घेर देना, और यहाँ याद रखना है, यही बच्चा भूलता है, यहाँ प्लस का चिन्ह दे देता है, लेकिन याद रखना है गुना का चिन्ह देना है, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना बाबू, गुना करने से ज़्यादा आएगा, प्लस से तो कम ही आएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमने सॉल्व किया, यही फॉर्मूला लगा के अंतर के जगह 31, पी का मान निकालना है, आर के मान दिया हुआ है 10, तो 10 हमने रख दिया, ठीक है, बटा किए हम 100, काट के आ गया 1/100, कैसे, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कटा तो 1/10 आएगा, और 1/10 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 1/10, तो इसी चीज़ को हम 1/100 लिख सकते हैं, तो बच्चा की तरह आपको बता रहे हैं हम, है ना। और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 31/10 पूरा कट के 1000 आ गया। तो आइए हम इस सवाल को करते हैं। हमने क्या कहा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो है CI - SI बराबर, या इसी को कह सकते हैं डिफरेंस या अंतर बराबर P × R/100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल का है। CI - SI को ही तो अंतर कहते हैं, और अंतर हमें क्या करना, निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, D बराबर, आप देखिए P का मान दिया है कितना, 4000, तो 4000 रख देते हैं, गुना R/100, R का मान कितना है 5, और बटा 100 का कर देंगे क्या, स्क्वायर, तो बताइए 4000 गुना 5/100 गुना 5/100, यही तो हमने 2 बार लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है, यही आ जाएगा डायरेक्ट डिफरेंस, 3 ही जीरो है ना आपका, 1, 2, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से हो गया खत्म, 5 × 10 और 2 × 4, 5 × 10, तो डी बराबर आ गया 10 रुपया आ गया, सिर्फ 10 रुपया का अंतर है, और वो है ऑप्शन नंबर B में।
मजा आ गया सबको क्लास करने में, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आपके सामने आज का लास्ट सवाल है, क्योंकि आप लोग सारा कुछ सीख चुके हैं, ठीक है, सारा कुछ है ना। चलिए लास्ट सवाल है आपके सामने, करिएगा, लास्ट सवाल है, ठीक है। चलिए देखिएगा, करके बताइए आप इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ राशि निकालना है 2 वर्ष का, बस सेम तरीका अपनाना है आपको, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग करके बताइएगा। चलिए सब लोगों ने ट्राई किया होगा और बन गया होगा सबसे, 2 साल है ना, तो 2 साल का डिफरेंस बराबर क्या बताए थे, पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। तो डी बराबर पी का मान तो हमें निकालना है, इनटू 6 बटा करेंगे 100 2 बार, कितना बार, 2 बार। अब तो कोई कट नहीं रहा है और अंतर भी दिया हुआ आपका 27, तो डी के जगह पर हम 27 रख सकते हैं। पी का निकालना है तो ये डायरेक्ट चला आएगा, तो यहाँ से काट दीजिए जो जो कट रहा है। 3 नमा 27 और 3 दूना आ गया 6, 3 3 9 और 3 दूना आ गया 100 6, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 से कटेंगे 100 बार में, तो कितना बार में, 25। अब 2500 गुना 3 करेंगे तो पी बराबर 25 3 कितना आ जाएगा, 7500। और यही आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो डी वालों का बिल्कुल सही है, बाकी लोगों का गलत है। अब आइए इसमें एग्जामिनर क्या सोचेगा, एग्जाम आपको क्या सोच सकता है इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन में, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग 2 वर्ष वाला में क्या पढ़ चुके थे, डी बराबर, डी का मतलब क्या, एस आई सी आई माइनस एस आई, क्योंकि सी आई बड़ा होता है, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर। देखिए एग्जामिनर क्या सोच सकता है, उस सोच को पढ़िए। जैसे कि आपको सी आई दे देगा, सी आई मान लिया जाए आपका दे दिया 1331, सॉरी 331, सी आई दे दिया 331, बात आ रहा है समझ में, आपका मूलधन दे दिया, मूलधन दे दिया कितना बाबू, मूलधन दे दिया आपका 1000, बात आ रहा है समझ में, आपका रेट दे दिया 10%। अब आपसे पूछ देगा कि बताओ एस आई कितना होगा, एस आई बराबर व्हाट। देखिए एग्जामिनर के सोच को समझिए, आपका एस आई पूछ देगा। तो एक तो तरीका है कि आप जो है ना सक्सेसिव केस से आप यहाँ से मूलधन सब कुछ दिया हुआ है, ये आपको जो है 2 साल का टाइम भी दे दिया जाएगा, आपका टाइम भी दे दिया जाएगा 2 साल, और आपसे एस आई पूछा जाएगा है ना एग्जामिनर। तो आप इसको अलग तरीका से रेशियो वाला मेथड से भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो सी आई माइनस एस आई क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताए हम, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर। अब जो जो दिया है वहाँ हम अगर हम रख देंगे तो क्या नहीं निकलेगा एस आई, सी आई का मान 331 तो 331 रख देते हैं माइनस एस आई, क्योंकि ये हमें निकालना है। पी का मान 1000 दिया हुआ है तो 1000 हमने रख दिया, आर का मान दिया हुआ है 10%, तो 10/100 करेंगे और इसी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें सिर्फ एस आई निकालना है, तो इसको अभी रहने देते हैं, 331 माइनस एस आई बराबर 1000 गुना, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो क्या आएगा, 1/10 × 10, क्योंकि नीचे 2 को 10 आएगा। तो देखिएगा 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, हम उधर भेजेंगे इसको एस आई और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। हाँ एस आई हमको उस साइड भेजना है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, 331 माइनस 10, तो क्या कहेंगे हम कि एस आई बराबर क्या आ जाएगा, 321 आ जाएगा। कहिए किसी को कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ से जो है आराम से निकाल सकते हैं क्या, हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर एस आई दे देगा, यहीं पर आपका एस आई दे देता तो हम सी आई निकाल लेते,
बात इतना सा है कि बस थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए, है ना। दूसरा तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको सही से चेक कर लीजिएगा, हमें कुछ डाउट लग रहा है आंसर में, ठीक है। लेकिन आप, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जो है दोनों में से कोई भी एक दे करके आपसे दूसरा पूछ सकता है, तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, वरना इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। सी आई 331 माइनस एस आई, बिल्कुल सही है, 1000। तो यहाँ हो जाएगा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको इस साइड भेजेंगे, उसको उस साइड भेजेंगे, तो 321 आ रहा है इस हिसाब से। दस दुना 20, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, आंसर में डाउट लग रहा है। खैर आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा इसको समझाने के पीछे रीजन क्या था, ठीक है। आप लोग फिर से इसको बनाइएगा, इस तरह से भी आंसर यहाँ से आ सकता है। ओवरऑल आपका इस तरह का सवाल बहुत कम देगा एग्जाम में, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का एग्जाम बहुत कम देगा क्वेश्चन एग्जाम में, और जो भी देगा वो ऐसा देगा कि वो सेट करके देगा। ये तो हम खुद से लिए हैं, तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकता है आंसर में, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप इस तरह का सवाल क्या कर पाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला से आप 5 तरह के प्रश्न को आप डील कर पा रहे हैं इस तरीके से। बात आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, मज़ा आ गया सबको क्लास करने में? अगर सच्ची में मज़ा आया होगा तो कमेंट में आप एक बार ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर, क्लास जो है बहुत बेहतरीन रहा, बहुत मज़ेदार रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।